बुन्नी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार निकल रहे रेत के डंपर माफियाओं के आगे प्रशासन बौना ही साबित हो रहा है, जिसके चलते बेखौफ रेत से भरे डंपर रोड पर दौड़ते दिखाई देते हैं, जिन पर कार्रवाई करने से विभाग नाकाम ही साबित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बुन्नी सहित होशंगाबाद की रेत खदानों से जहां मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है, तो वहीं रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें जिला कलेक्टर के निर्देश की भी कोई परवाह नहीं है और उनके इस काम का अंजाम माइनिंग विभाग की अनदेखी से ही हो रहा है। दरअसल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेत से भरे डंपरों पर परिवहन की अनुमति नहीं होने के बाद भी सारी रात डंपर दौड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार सुन, क्षेत्र जो है तुम्हें जो मैं तो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, तुम कहाँ से आके वीडियो निकल रहा है? तो नाका लगा, नाका है, नाका है तू ये नाका में निकलो, मैं बस स्टैंड में बैठे, बस स्टैंड में बैठने का आदमी लेके वीडियो निकल रहा आप लोग, ये क्या बात है? नहीं तो नाके नाका में इंटरव्यू लो, इंटरव्यू कहाँ पे लेना, नाका में लेना? नहीं तो हम तो नाके से ही आ रहे हैं ना, जब नाके पे नहीं थे मैं बैठा हूँ, मैं बस स्टैंड में बैठा हूँ, बस स्टैंड में आदमी के लिए क्या वीडियो निकल रहा है, ये क्या बात है? नाका में बैठने टाइम इंटरव्यू लेना, मैं जवाब बोल सकता हूँ, इंचार्ज तो आप हो ना, इंचार्ज तो इंचार्ज घर पे बैठे तो सीधी घर आके इंटरव्यू लेता है? ये पूछ रहे हैं आपके जो वॉलंटियर वहाँ बैठे हैं वो बिना चेक करे गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, क्यों निकलो लेना, क्या लेना, हम क्या कह रहे हैं? अरे तो मेरे बाथरूम में जाने में बाथरूम में अंदर हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके वॉलंटियर वहाँ पे लेना, वहाँ पे लेना भैया, तो इधर बैठने वाले इंटरव्यू लेना तो क्या भाई। बुधनी से EMS TV के लिए शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।